वेलकम बैक इन हाइड्रोपोनिक पाली। हाइड्रोपोनिक पाली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टेज वन में कौन कौन से न्यूट्रिशन और किस परिमाण में लगेंगे इसके बारे में हमने जाना था। और ये जो है ये बहुत ही सटीक फॉर्मूला है किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने का लिए। ऐसा बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि इतना एक्यूरेट मात्रा में हम कहाँ से न्यूट्रिएंट लें, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शायद ध्यान से नहीं सुने। माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल के मार्केट में मिलता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ये नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, ये तीनों को छोड़कर बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट में ये सब कुछ इसी ही रेशियो में है ना दिए रहते हैं। तो आपको इसकी रेशियो के लिए ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट बाज़ार में आप ले लें किसी भी ब्रांड का, आप सिर्फ उसमें ये देख लें कि ये सब है कि नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैगनीज, बोरॉन, मिलेडियम, अगर ये सब कुछ है तो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट के पैकेट को आप खरीद लें, उसमें इसी सारे रेशियो में दिए रहते हैं। रही बात नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम की, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट ये तीनों को है ना आप अलग से मार्केट में मिलता है। एनपीके आप जो लेते हैं एनपीके को ना लें, एनपीके के जगह पे आप नाइट्रोजन अलग से लें है ना, पोटेशियम अलग से लें, फास्फोरस अलग से लें। इससे आपको ये जो है ये अलग अलग से आप इस अनुपात में आप आसानी से दे सकते हो। आपको सिर्फ एनपीके है ना, एनपीके अलग अलग लेना है, नाइट्रोजन है ना इसको एन, पोटेशियम पी, फास्फेट पी सॉरी पोटेशियम के, तो एन पी के, इसीलिए इसका सिंबल जो होता है नाइट्रोजन का जो होता है एन होता है, फास्फेट का पी होता है और पोटेशियम का के होता है। सो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है एन पी के। तो आप ये तीनों अलग अलग से, आप सिर्फ इन तीनों को अलग अलग से खरीद लें और ये जो मैंने रेशियो बताया है ना, इसी रेशियो में पर लीटर इतना ही आप स्टेज वन के पौधे को डालेंगे, स्टेज वन के पौधे को डालेंगे। और ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपको जब जिस पैकेट पे ख़रीदेंगे तो उसमें ये इंक्लूड रहेगा कि कितना ग्राम में है ना, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का जब आप पैकेट लेंगे तो उसमें ये सब दिया रहेगा कि कितना ग्राम में कितना कौन सा आएगा, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमको उसका 1 ग्राम डोज देने पे कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्व जो हैं कितने परिमाण में आ जाएंगे। उसके हिसाब से हम 1 चम्मच, 2 चम्मच है ना वो डालते हैं। तो ये सब तो हैं छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पौधे को है ना छोटी छोटी चीज़ों में विकास करने में बहुत ही मदद करते हैं। मेन तीन जो न्यूट्रिएंट है वो एनपीके नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, फास्फेट है ना, फास्फेट और पोटेशियम, ये दोनों जब पौधे में फूल और फल लगते हैं उस समय ये इनकी मात्रा अधिक मात्रा में लगती है। तो स्टेज वन में इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, स्टेज टू में इसका दोगुना हो जाएगा, स्टेज थ्री में पहले स्टेज का 3 गुना हो जाएगा, लेकिन स्टेज फोर में जैसे हम पहुँचेंगे, तो स्टेज फोर में नाइट्रोजन कम मात्रा में लगता है। तो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन से स्टेज में कितना लगेगा। तो आज हम पिछले वीडियो में जान चुके थे स्टेज वन में कि कौन से नाइट्रोजन, कौन सा तत्व कितना लगेगा 1 लीटर न्यूट्रिशन बनाने के लिए। तो हाइड्रोपोनिक में 1 लीटर न्यूट्रिशन बनाने के लिए कौन सा तत्व कितना लगेगा स्टेज वन के पौधे के लिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये हमारा पौधा जो है ये स्टेज वन का पौधा है। इस स्टेज के पौधे के लिए यहाँ पे बताए गए न्यूट्रिशन
पिछले वीडियो में हमने एक एक करके डिटेल्स बताया, ये पर लीटर है ना ग्राम दिया हुआ है, इसके हिसाब से डालने पर पौधे में ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखी गई है। इसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेज टू के बारे में, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेज टू के पौधे के बारे में है कि स्टेज टू के पौधे में कितना न्यूट्रिशन लगेगा। तो स्टेज टू और स्टेज थ्री दोनों ही हम जानेंगे कि पहले स्टेज में जितना लग रहा था, पहले स्टेज में जितना लग रहा था, तो यहाँ अगर समझ लिए कि यहाँ 492 ग्राम है ना, इतना लगभग लग रहा था, तो इसका यहाँ दो गुना लगेगा है ना, यहाँ पे इसका क्या लगेगा, दो गुना, टू गुना, और यहाँ पे जब स्टेज थ्री में जाएंगे यहाँ पे लगेगा थ्री गुना, थ्री मल्टीपल। इसको तीन से गुना करने पे जो आएगा वही न्यूट्रिशन, इसको दो से गुना करने पे जो आएगा वही न्यूट्रिशन। लेकिन स्टेज फोर में जैसे जाएंगे तो स्टेज फोर में मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्टेज फोर और फाइव ये बहुत ही वाइटल स्टेज होता है जहाँ पे पौधे में फूल और फल लगते हैं, तो फूल जितने अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में रहेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया कि फूल आते तो हैं पर फूल झड़ जाते हैं, तो उन सब का कारण है ना क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और फूल जो है सारे के सारे फल में कन्वर्ट कैसे हो जाए उसके लिए क्या है ना न्यूट्रिशन कितना मात्रा में डालें इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज हम जैसा कि मैंने बताया स्टेज वन से स्टेज टू के में जैसे ही पौधा हमारा जाता है, स्टेज टू का पौधे की पहचान क्या है कि उसमें बहुत सारी पत्तियां आ जाएंगी। ये क्या था, स्टेज वन में इसका बीज वाली पत्ती थी जो बीज के अंदर से निकलता है वो, स्टेज टू में उसमें बहुत सारी पत्तियां आ जाएंगी है ना, तो हम समझ लेंगे ये स्टेज टू का पौधा है। और जो जैसे स्टेज थ्री में जाता है तब शाखा में से शाखा है ना, ब्रांच ब्रांच में से ब्रांच निकलने लगती है, तो समझ लेंगे स्टेज थ्री का पौधा हो गया है, और स्टेज थ्री के पौधे के हिसाब से स्टेज थ्री का न्यूट्रिशन डालेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन स्टेज टू में कितना लगेगा, जस्ट इसका दो गुना है ना, इसका दो गुना हो जाएगा, टू टू एटी फाइव पॉइंट टू ग्राम, कितना हो जाएगा नाइट्रोजन 285.2 ग्राम, फास्फेट इसका दोगुना हम कर लेंगे तो आ जाएगा 0.5 ग्राम। तो ये हो गया हमारा स्टेप माइक्रो न्यूट्रिशन, ये पर लीटर में है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये किस में है, तो ये हमारा पर लीटर में है, जितने भी न्यूट्रिशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो पर लीटर में है। तो स्टेज वन के पौधे के लिए 142.6 ग्राम नाइट्रोजन डालेंगे, स्टेज टू के लिए 285.2 ग्राम नाइट्रोजन डालेंगे। तो ये हमें पर लीटर में डालना है आपको नाइट्रोजन है ना, पोटेशियम और फास्फेट, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फेट, नाइट्रोजन फास्फेट पोटेशियम आपको क्या करना है अलग अलग खरीदना है, और बाकी सब के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन बोलकर एक पैकेट आता है मार्केट में, वहाँ से आपको खरीद लेना है। उसमें रेशियो दिया रहता है कि किस रेशियो में कौन से तत्व मिले हुए हैं। ठीक इसी तरह स्टेज थ्री में जब जाएंगे तो स्टेज थ्री में पहले वाला स्टेज वन वाले का क्या करेंगे, तीन गुना करेंगे, स्टेज वन वाले का तीन गुना करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 437.8 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 437.8 ग्राम, इसका थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 24 = 20, 4 × 12 = 13 × 14 144 ग्राम है ना, इसका थ्री मल्टीपल करेंगे 4 × 12 = 13 × 13 = 2 × 2 = 3 × 3 = 4 ग्राम। ठीक इसी तरह इसका भी तीन मल्टीपल कर लेंगे है ना,
तो नीचे का जो है, नीचे का आप जैसे ही डालते हो तो पहला स्टेज में आपने एक चम्मच डाला तो उसका है ना, यहाँ से कैल्शियम से कहाँ से ये तीनों छोड़कर ये नीचे नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, ये तीनों इसके के लिए आप क्या करोगे, स्टेज वन में जितना आप डालते थे, स्टेज वन में यहाँ से नीचे है ना, तो यहाँ से नीचे स्टेज वन में जितना भी आप डालते थे स्टेज वन में, उसका क्या करना है, 3 मल्टीपल करना है ना, 3 × स्टेज वन, 3 × स्टेज वन, ये आपको ये पूरा उसके ही उसके हिसाब से डालना है। तो स्टेज 1, 2, 3 हमने स्टेज 1, 2, 3 के बारे में चर्चा कर ली है, और अगले वीडियो में जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों के फूल तो आते हैं पर फल में कन्वर्ट नहीं होता है, तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और जिनको भी NPK अलग अलग लेने में अगर दिक्कत होती है तो आप अपने नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम अलग अलग मिल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने स्टेज 1, 2, 3 तीनों के बारे में जान लिया है, किस स्टेज में कितना न्यूट्रिशन डालेंगे, न्यूट्रिशन हम कैसे बनाएंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें।